चलो काटो वहाँ आगे पता हिलना नहीं पड़ी भैया। हाय, मैं मनोज कुमार राव। मैं आज एक स्टूडियो का ओपनिंग है मेरे फ्रेंड का। मेरे भैया हैं चुनमुन भैया, पूरा नाम इनका चुनमुन पंडित है। स्टूडियो का नाम MRK है और अच्छा लगा यहाँ आकर। यहाँ पे DI एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, ऑल पोस्ट प्रोडक्शन होता है। जहाँ तक मुझे आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो आप आइए यहाँ पे और अपनी फिल्म का ऑल पोस्ट प्रोडक्शन करवाइए। यहाँ एडिटर विनोद जी हैं, मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। मेरी फिल्म उन्होंने रिलीज़ एडिट किया है तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे एडिटर हैं। और हाँ, मेरी एक फिल्म 21 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, मृदंग। अब साथ में मैं भी अपनी फिल्म का प्रमोशन कर देता हूँ, क्या संजय जी? ज़रूर देखिए आप लोग, बहुत अच्छी फिल्म है। मैंने भी अच्छा काम किया है, शायद आप लोग बताएंगे वो। थैंक यू। तो आज स्टूडियो लॉन्च हुआ है, बहुत बहुत बधाई हो जो ये लॉन्च किए हैं जिनका। MRK बहुत बहुत मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर को जिन्होंने ये लॉन्च किया है MRK स्टूडियो। बहुत बहुत सबको बधाई हो, ये बहुत नाम कमाई ये स्टूडियो। इसमें बहुत सारी फिल्में आए और क्या ज़्यादा से ज़्यादा। MRK स्टूडियो के प्रोपराइटर आदित्य जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मूवी आए, एडिट हो और ये बुलंदी पर जाएं। इनका भोजपुरी नहीं, आज दुनिया में इनका नाम हो और सब सच हो। मंत्रों के द्वारा आशीर्वाद देता हूँ। मंत्रार्थ सबला संतो पुरला संतो मनोरथ शत्रुणाम बुधना सस्तो मित्राणाम मरेस्त। आज MRK स्टूडियो का ओपन हुआ, मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूँ कि इनके पास बहुत सारी फिल्में आए। और मेरा ये भी दुआ है कि हमेशा हमारे इंडस्ट्री में एक नया स्टूडियो का उद्घाटन हुआ आज से, और मेरा यही शुभकामना रहेगा कि हमेशा इनके पास बरकरार रहे और आने वाली जो भी फिल्म है इनके पास आए और अच्छा से अच्छा पोस्ट प्रोडक्शन करके दें ताकि यहाँ पर सारा सिस्टम देगा। बहुत ही A1 का सिस्टम है इनका। और मैं मेरे श्रोता अगर जो भी मुझे सुन रहे हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा कि MRK स्टूडियो में आए, अपना पूरा फुल पोस्ट प्रोडक्शन कराएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अभिराज। मैंने एक छोटी सी अपना एक पहल स्टार्ट किया है, MRK स्टूडियो एंटरटेनमेंट हाउस, और मैं यही चाहूँगा आप लोग का हर सुविधा मेरे MRK स्टूडियो से मिले। बस इतनी सी पहल है, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार हमेशा मुझसे जुड़े रहे। अरे नहीं, बिल्कुल मैं शौक हूँ। मैं चुनमुन पंडित, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं MRK स्टूडियो। सारी सुविधाएं यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी होता है मैं यहाँ आया हूँ और बहुत तहे दिल से हमारी शुभकामनाएं हैं, सहयोग भी रहेगा। हमने देखा बहुत अच्छे लोग हैं स्टूडियो जिनका है और मेरे ऐसे रिलेटिव हैं लेकिन उससे ज़्यादा व्यावसायिक जीवन में बहुत सुलझे हुए लोग हैं। तो मैं आप सबों से आग्रह करूँगा कि आप यहाँ आएँ और अपने सिनेमा का पोस्ट प्रोडक्शन का जो भी सर्विस है यहाँ अवश्य कराएं। थैंक यू।
मेरा कमी सलवा का स्टूडियो खुला है, मैं बिहार से आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है, आप लोग का सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग दें ताकि ये आगे बढ़े। क्या कहना चाहेंगे, आपके पुत्र ने ये शुरू किया? मैं चाहूँगा कि आप लोग सहयोग करें, ये आगे बढ़ें, ये आगे बढ़ें, स्टूडियो नाम कमाए। मैं बिहार से आया हूँ इस अवसर पर। एवरीवन, मैं कुमार नीलोत्पल, मेरे छोटे भाई आदित्य अभिराज ने नया पोस्ट प्रोडक्शन हाउस MRK स्टूडियोज खोला है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको MRK स्टूडियोज की कहानी, MRK क्या है। MRK शुभकामनाएं देना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि ये बहुत ऊपर जाएँ, ठीक है, आसमान की ऊँचाइयों को छुए, अपने प्रोडक्शन हाउस से अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस होकर यहाँ से निकलें, ठीक है, अच्छी फिल्में बनाएं, आप लोगों का सहयोग रहे। ये स्टूडियो ओपन किया है, इसका नाम है MRK एंटरटेनमेंट हाउस, और हमारे जो मित्र हैं वो मिस्टर आदित्य अभिराज सिंह हैं, उन्होंने ओपन किया है। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मैं अजय शुक्ला हूँ, बेसिकली एक्टर हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि इस स्टूडियो में जितनी मेहनत की गई है वो मेहनत रंग लाए, और हमारे आदित्य अभिराज सिंह को जो हमारे दोस्त हैं उनको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, भगवान उनका आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं हूँ सोनी झा एक्ट्रेस। MRK स्टूडियो को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया देना चाहती हूँ, ये स्टूडियो बहुत ऊँचा जाए, बस मेरा यही शुभकामना है। मैं एक्चुअली एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी हूँ। पहली फिल्म मैं भोजपुरी की खुद की बनाया था, और तभी मैं सीखा था कि पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। फिल्म सीखा भी, बनाया भी, एज अ प्रोड्यूसर भी इस्टेब्लिश हुआ, एज एन एक्टर भी इस्टेब्लिश हुआ। तो एक्टर इस्टेब्लिश होने के लिए पहले मुझे फिल्म बनानी पड़ी, और तब मुझे एहसास हुआ कि पोस्ट प्रोडक्शन कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है फिल्म मेकिंग का। और आजकल सब डिजिटल होने के बाद तो कैमरा चाहे कोई भी हो, अगर कुछ प्रोडक्शन में खामियां भी हो गई हों तो उसको कैसे हम खामियों को हटा सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, ये सब भी मैं काफ़ी कुछ सीखा। तो पोस्ट प्रोडक्शन हमारे मूवी मेकिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बिहार के उन्होंने शुरुआत की है, और मेरे घर के पास है तो मेरे लिए सहूलियत रहेगी, काफ़ी अच्छा है। और मुझे बहुत बहुत मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि बिहार से आकर मुंबई इतने दूर में उन्होंने हिम्मत की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक अच्छा एक पोस्ट प्रोडक्शन इनका स्टूडियो स्थापित होगा यहां पर। बिल्कुल, मैं इस प्रोडक्शन हाउस ओपनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं उन्हें। अभी तो वी फॉर विक्टर मेरे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि फिल्म हम जिस लेवल की या जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा भव्य और बहुत अच्छी फिल्म बन गई है। तो मेरे सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि उसको एक सही मुकाम उसको दिया जाए, एक सही तरीके से उसको रिलीज़ किया जाए। तो एक भव्य रिलीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा पूरा फोकस उधर है, लेकिन साथ में एक बहुत अच्छा मेरे पास सब्जेक्ट है जिस पर मैं फिल्म बना रहा हूँ, मास्टर। तो मास्टर का अनाउंसमेंट हम जल्दी ही करेंगे, और जल्दी ही हम विक्टर के रिलीज़ का भी अनाउंसमेंट करेंगे। थोड़ा उसकी हम तैयारी कर रहे हैं अभी, और विक्टर का फर्स्ट कॉपी आएगा अभी 10 दिन के बाद, तो उसमें अभी हम बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। यार रिकॉर्डिंग कर रहे, डाल देंगे तुम लोगों को भरोसा नहीं, कुछ भी डाल देते तुम लोग, ये लोग एडिट भी नहीं करते। हाँ, ये लोग नहीं करते, ये लोग है ना, डाल दिया था, मैं ऐसे पूछ रही थी क्या पूछने वाले, तो डाल देते हैं। क्या कहने चाहिए ना, थोड़ा सा शेम बोर्ड नहीं निकाला।
इसका आ जाता है जयपुर था क्या वो क्या कहना चाहिए आप बड़े स्माइली स्माइली है ना आए हैं नल्ली है आए हैं आए हैं नल्ली हो नल्ली है हाँ पूछे क्या कहना चाहिए मैडम स्टूडियो में आ गया आप पहली फिल्म होगी इसमें बहुत प्रोडक्शन में पहले नाश्ता पानी कर लेना उसके बाद बताती हूँ नहीं मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ सॉरी मुझे कुछ आइडिया नहीं है बट अभी एक मुहूर्त करके आई थी तो संजय जी ने बोला यहाँ पे भी आ जाइए बेस्ट विशेस दे दीजिए स्टूडियो है भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टूडियो खुलना मतलब प्रेजेंट होना ज़रूरी है कहीं बाई चांस आगे काम मिल जाए और मैंने बहुत सारे फिल्में कर लिया है लास्ट ईयर का जो फेमस था साजन चले ससुराल पार्ट टू था अभी रिसेंटली जो होके गया वो मेहंदी लगा के रखना था उसमें काफ़ी अच्छा गाना था और अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले जो एक मूवी रिलीज़ हुई है उसका नाम है आमी सुधु तोके चाही बंगाली फिल्म है और उसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप का मैंने परफॉर्मेंस किया है और नॉर्थ ईस्ट साइड का है तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके भैया मैं होटल में जाके तो खा सकती हूँ वो भी फ्री का होटल स्टार्ट नहीं कर सकती तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप कोई शेट्टी या अन्ना को पकड़िए जिनसे मैं शादी कर लूँ फिर पक्का पक्का डन है स्टूडियो होटल सब खोलूंगी और आप लोगों को फ्री ट्रीट दूंगी थैंक यू जी हाँ मैं दामोदर राव आप सभी को नमस्कार करता हूँ आज यहाँ पे बड़ा ही सुंदर माहौल है एमआर के स्टूडियो का आज उद्घाटन हो रहा है ओपनिंग हो रही है तो मैं यही शुभकामना दूंगा कि बस अच्छा ढंग से स्टूडियो चले यहाँ पे सब चीज़ रिकॉर्डिंग डबिंग सब अच्छे ढंग से हो अच्छा काम निकले और लोगों को काम मिले यहाँ से आप क्या कहना चाहिए बस मेरी भी शुभकामना है एमआर के स्टूडियो से कि ताकि अभी आज दिग्गज सारे यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा किसी तरह खचाखच भरा रहे सारे दिन स्टूडियो इनका काम मतलब होता रहे यही मैं उम्मीद करूँगा Thank you so much and best of luck.